आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो के प्रारंभ में मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं हूँ रुपेश ठाकुर, प्राथमिक शाला चिचगांव, संकुल केंद्र आमाबेड़ा, विकास खंड अंतगढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़। हमारे जिला का नाम कांकेर है। यह एक आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ अनेक तरह की संस्कृति, परंपराएं एवं जाति धर्म के लोग निवासरत हैं। हमारे जिला के प्रमुख विशेष बात यह है कि हमारे जिला कांकेर के शहर के बीचों बीच दूध नदी बहती है एवं हमारी शाला से 20 किलोमीटर दूरी पर ही दूध नदी का उद्गम स्थान मलाज कुडुम है। उसके अतिरिक्त हमारे जिला में हमारे स्कूल से 10 किलोमीटर की दूरी पर मुत्ते खड़का नामक जलप्रपात है, जो बरसात के दिनों में बहुत अधिक सुंदर दिखाई प्रतीत होता है। उसके अतिरिक्त हमारी शाला, प्राथमिक शाला चिचगांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर से लोग देखने आते हैं एवं वर्ष के 12 महीने यहाँ पर्यटक लोगों का भीड़ रहता है। हमारे स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे स्कूल में कुल 40 छात्र हैं एवं कुल 2 शिक्षक कार्यरत हैं। हमारा गांव पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से है एवं यहाँ आने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं। इनके पास पर्याप्त मात्रा में कापी एवं पेन और अन्य आवश्यक सामग्री नहीं होता है, जिस कारण अध्यापन में कई बार हमें कमी महसूस होती है। और बहुत सारे सामग्रियों को तो हम लोग समूह के माध्यम से, मतलब बच्चों को सामूहिक रूप से ही प्रदान कर देते हैं। ZIIEI के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं वर्ष 2018-19 में इस कार्यक्रम से जुड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा यह कार्यक्रम, क्योंकि सभी लोगों के पास, लगभग बहुत से शिक्षकों के पास ऐसे नवाचार होता है जिनको वे अपने शाला में लागू तो करते हैं किंतु उनके शाला तक ही सीमित रह जाती थी। लेकिन ZIIEI के माध्यम से शिक्षक अपने नवाचारों को अपने ब्लॉक में, अपने जिला में, अपने राज्य में शेयर करते हैं, जिस कारण आवश्यकता के अनुसार अन्य शिक्षक व अन्य शालाएं भी उन नवाचारों को अपनाकर अपने समस्याओं को दूर करते हैं। तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे पास जो भी आइडियाज है उसको हम दूसरों को देते हैं, और कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका एक शाला हो गया, एक शिक्षक हो गया, स्वयं निदान नहीं कर पाता है। अतः दूसरों के नवाचार से भी उनका समस्याओं का निदान आज संभव हो पा रहा है। तो मैं ZIIEI को पुनः धन्यवाद कहना चाहूँगा। इनोवेटिव पाठशाला एप्स, यह एक बहुत अच्छा ऐप है। इस ऐप में कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी के विद्यार्थियों के लिए हर पाठ में बहुत सारी गतिविधियां दी गई है, जिसमें ग्रिड गेम, प्रश्न बैंक, शब्द सागर और भी अनेक तरह के आइडियाज़ दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से बच्चे अपने पाठ के प्रति समझ अच्छे से विकसित कर सकते हैं। पर्सनली इस ऐप के माध्यम से मैं प्रशिक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में जाना। इस जानकारी को बच्चों को बताने के लिए शायद पाठ्यपुस्तक में कोई भी पाठ नहीं है, तो बच्चों को ये जानकारी को मैं इस ऐप्स के माध्यम से बताया, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो वर्ष 2018-19 से प्रतिवर्ष लगभग 1-2 दिवस के प्रशिक्षण विकासखंड स्तर पर होता रहा, किंतु इस वर्ष 21 सितंबर 2020 से लगातार प्रति सोमवार
दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हमारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण चलता है एवं उस प्रशिक्षण के हमारे ट्रेनर श्री विनीत भट्ट जी रहते हैं, जिनके द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया जा रहे हैं। भट्ट सर हमारे सभी परेशानियों को सुनते हैं एवं उसका निदान करते हैं एवं विषयों का अच्छा तरह से हमें हम में समझ बन सके इसके लिए बहुत सारे उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं और हमारा प्रशिक्षण बहुत अच्छा जारी है। हमारे साला के लिए मजबूत पक्ष यह है कि हमारे समुदाय के बहुत से लोग साला से जुड़े हुए हैं। जब भी हमें मदद की आवश्यकता होती है उन्हें बुलाया जाता है तो वे मदद के लिए ज़रूर उपस्थित होते हैं। ये हमारे लिए मजबूत स्थिति है क्योंकि जब तक कोई भी समुदाय साला से नहीं जुड़ेगा या फिर पालक लोग यदि साला से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ZIIEI प्रोग्राम से पर्सनली मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है एवं हमारे स्कूल के छात्राओं को भी बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि ऐसे बहुत सारे जानकारियां थी जो छूट जाती थी बच्चों को बताने के लिए, किंतु इनोवेटिव पाठशाला के द्वारा मैं बच्चों को कई ऐसी जानकारियां हैं जिनको अनेक गतिविधि अनेक आइडियाज़ के द्वारा बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें भी मज़ा आता है और वे सीखते भी हैं। तो इस तरह से मुझे हमारे साला को ZIIEI से फ़ायदा मिला है। इस वीडियो के अंत में मैं पुनः ZIIEI एवं HDFC बैंक को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए, बहुत अच्छे अच्छे गतिविधि सुझाए बच्चों के समझ विकसित करने के लिए। अतः मैं पुनः धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय जोहार।